मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के इम्पोर्टेंट सेक्शन 156 सीआरपीसी पर इस वीडियो में प्रकाश डालने जा रहा हूं। संज्ञेय मामले में कॉग्निजेबल ऑफेंस में जिसमें पुलिस बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को अपराध के संबंध में अरेस्ट कर सकती है, उसमें पुलिस की क्या शक्तियां होती हैं, अन्वेषण करने की शक्तियां क्या हैं, इस बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। पुलिस थाने का जो भी भारसाधक अधिकारी है वो मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर होने पर, ऑफेंस रजिस्टर्ड होने पर अन्वेषण करता है। पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना संज्ञेय मामले में क्षेत्राधिकार से संबंधित जो उसके ज्यूरिसडिक्शन में इन्वेस्टिगेशन करने का उसको अधिकार होता है। ऐसे व्यक्ति पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन यदि कोई करते हैं तो उसे क्वेश्चन या प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। इस धारा में यह भी कहा गया है कि धारा 190 सीआरपीसी के अंतर्गत कोई भी मजिस्ट्रेट स्वयं अन्वेषण चाहे तो कर सकता है, अपने अधीनस्थ को भी अन्वेषण के लिए सौंप सकता है या पुलिस अधिकारी से भी इन्वेस्टिगेशन करा सकता है। कंप्लेंट केस जब प्रस्तुत होती है परिवार धारा 200-202 के अधीन मजिस्ट्रेट के समक्ष नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो या कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, पुलिस रिपोर्ट पर किसी भी व्यक्ति से प्राप्त इतला पर या पुलिस रिपोर्ट पर या स्वयं की मजिस्ट्रेट की जानकारी होने पर वो संज्ञेय मामले में पुलिस अधिकारी को चाहे तो संज्ञेय हो असंज्ञेय हो ये निर्देश दे सकता है कि वो उसमें इन्वेस्टिगेशन करे। अब मैं महत्वपूर्ण विषय धारा 156 के क्लॉज 3 जो मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी हैं उसके बारे में बताता हूँ। असंज्ञेय मामले में जहां नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट धारा 155 सीआरपीसी के अंतर्गत की गई है जिसमें पुलिस को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं रहता है, वो उस विक्टिम को ये बोलते हैं कि आप जाकर मजिस्ट्रेट की शरण लीजिए, परिवार पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कीजिए। तो जब न्यायालय के समक्ष मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई परिवार पत्र प्रस्तुत होता है उस पर मजिस्ट्रेट चाहे तो इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकता है पुलिस को, लेकिन चाहे धक्का मुक्की हुई हो, चांटा मार दिया हो, मारपीट हुई हो, छोटी मोटी कोई घटना हो और चाहे कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, घटना घटित होने पर कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो धारा 154 के अधीन रिपोर्ट लिखाई जाती है और वो रिपोर्ट थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा लिखी जाएगी, कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। जैसा कि मैंने अलग से एफआईआर के लिए वीडियो बनाया है, महिला है तो महिला द्वारा रिपोर्ट लिखी जाएगी, पढ़कर सुनाई जाएगी, उसके हस्ताक्षर दिए जाएंगे, उसे कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। पुलिस के सीनियर ऑफिसर अगर वो नहीं लिखता है तो पुलिस के सीनियर ऑफिसर को आप उसकी रिपोर्ट भेजेंगे रजिस्टर्ड डाक से। इसके बाद भी यदि कोई कार्यवाही नहीं होती है तो धारा 156(3) सीआरपीसी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें यह कहा गया है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष जो भी कार्यवाही कंप्लेंट केस या परिवाद के स्वरूप में होती है तो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस दी गई हैं। प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का एक मामला 2015 का हुआ था, एससीसी 2015 पेज 287 पेज 287 पर 2015 की पेज रिपोर्ट है। इसमें यह कहा गया है कि 156(3) सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र सपोर्टेड बाय एफिडेविट होना चाहिए और उसमें रूटीन एफिडेविट न देते हुए सही तथ्यों का उल्लेख होना आवश्यक है, अन्यथा उस व्यक्ति के विरुद्ध झूठा शपथ पत्र देने के आधार पर भी न्यायालय कार्यवाही कर सकती है। और इसके बाद अभी हाल ही में जस्टिस वी आर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी के द्वारा बाबू वेंकटेश वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका के मामले में 4 क्रिमिनल अपील्स को टैग करके डिसाइड किया गया और ये महत्वपूर्ण गाइडलाइंस दी गई कि लर्निड मजिस्ट्रेट जो 156(3) के अधीन कार्यवाही कर रहा है किसी भी परिवाद पत्र वगैरह में, उसे एक तो एफिडेविट जो भी प्रस्तुत हुआ है उसको देखना होगा, टू टेस्ट दी वेरिसिटी ऑफ दी एफिडेविट, उसकी सत्यता को, घटना की सत्यता हेतु पुलिस की हो चाहे तो एक तो मदद ले सकता है, इसकी एफिडेविट की सत्यता को देख सकता है। फॉल्स यदि एफिडेविट दिया जाता है तो उस पर मजिस्ट्रेट उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है, उस व्यक्ति को प्रोसिक्यूट भी कर सकता है। तो इसमें इन्होंने यही कहा जस्टिस गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी ने बाबू वेंकटेश वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका के मामले में, इसमें धारा 154(1) सीआरपीसी और धारा 154(3) सीआरपीसी की कंप्लायंस होना मैंडेटरी है। एफिडेविट की वेरासिटी को भी मजिस्ट्रेट चेक करेगा, झूठा शपथ पत्र तो नहीं दिया गया है, घटना की सत्यता का पता लगाएगा। यदि झूठा एफिडेविट दिया है तो एफिडेविट से वो सपोर्टेड घटना होनी चाहिए, तो मजिस्ट्रेट ये सुनिश्चित करेगा कि 154(1)
और 154(3) की कंप्लायंस हुई है कि नहीं, तभी वो 156(3) सीआरपीसी की कार्यवाही करेगा। ये दो इम्पोर्टेंट मामले, प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और बाबू वेंकटेश वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के मैंने आपको सीआरपीसी के संबंध में बदला है। कुल मिलाकर इसमें यही गाइडलाइन दी गई कि जब भी 156(3) के अधीन मजिस्ट्रेट सीआरपीसी में कार्रवाई करेगा, कंप्लेंट उसके समक्ष आती है, तो एक तो वो 154(1) और 154(3) सीआरपीसी की कंप्लायंस हुई है कि नहीं, एफिडेविट की सत्यता का पता लगाएगा, घटना वास्तव में घटी है कि नहीं सत्यता का। दूसरा, झूठा अगर कोई ऐसा एफिडेविट देता है तो उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन कर सकता है और इस पर आवश्यक कार्रवाई, घटना की सत्यता हेतु पुलिस की मदद लेकर 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत मजिस्ट्रेट कार्रवाई कर सकता है। इस प्रकार मैंने धारा 156 सीआरपीसी, जिसमें संघीय मामलों में पुलिस अधिकारी के अन्वेषण करने की शक्ति दी गई है, उसको संक्षेप में सरल भाषा में आपको समझाया। मैं समझता हूँ मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों दोस्तों को शेयर करें। मैं आपका मित्र अशोक शर्मा इस चैनल पर नए नए वीडियोस कानून से संबंधित प्रतिदिन अपलोड कर रहा हूँ और आपका स्नेह प्रेम मुझे इस चैनल पर जो मिल रहा है उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।